गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा TGT, PGT और PRT की वैकेंसीज निकाली गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट अभी क्लियर नहीं है। ये कहा गया है कि जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट द्वारा अपने यहाँ की रिक्तियों के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि ये दो तरीके की हो सकती हैं, रेगुलर और फिक्स टर्म। उसके बाद देखेंगे जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेज होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 5 से 6 नवंबर इसी साल के 5 से 6 नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा किसी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन। और यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग इस ऑनलाइन टेस्ट में बैठेंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जो आने वाले 2 फेजों के लिए यूज़फुल होगा। आप बिना इसके एलिजिबल नहीं होंगे और आप इसके पासिंग डेट से जो स्कोर कार्ड दिया जाएगा किसी भी CBSE के जो स्कूल हैं वहाँ पर आप अगर जॉब है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लिखा गया, होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, जहाँ पे वो भी लोग बैठ सकते हैं जो इसके पहले पास है लेकिन वो अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, या किसी ने TGT के बेस पर पास किया हो और अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं तो वो PGT के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि केवल आप स्कोर कार्ड मिलने भर से इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, ये एलिजिबिलिटी दिखाता है आपके 2nd और 3rd फेज में सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। उसके बाद 2nd स्टेप जो होगा वो इंटरव्यू का होगा, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखते हैं कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड, तो सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें अगर आप जो रेगुलर टीचर हैं उनका जो इंटरव्यू होगा वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB द्वारा होगा, और जो फिक्स्ड टर्म के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है लोकल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाएगा इंटरव्यू। फिर यहाँ पे दिया गया है फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट comprehension of 15 marks each will be held along with evaluation of teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. तो अगर उनका मन होगा तो वो आपसे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे 4th नंबर देखेंगे, कैंडिडेट हु रिसीव ए लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन एनी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू गेट ए पुलिस वेरीफिकेशन। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो आपको 30 दिनों के अंदर जो है पुलिस वेरीफिकेशन करवाना होगा अपना, और अगर आपके जीवन साथी जो हैं वह आर्मी में है तो वहाँ की देखिए आर्मी नेवी या एयरफोर्स में है तो उनके लिए आपके अपने बटालियन के किसी उच्च अधिकारी से आपका वेरीफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया गया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, तो TGT, PGT और PRT में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो दिया गया है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक तरीके से दी गई है। देख सकते हैं PGT के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ, साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए वो भी 50% मार्क के साथ। TGT में आपका ग्रेजुएशन जो है वह 50% अंकों के साथ होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए जो कि 50% अंकों से हो, और PRT में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों से, और आप DLED या BLED 50% अंकों से उत्तीर्ण हों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हैं तो अभी आप TGT के लिए भर सकते हैं और PRT के लिए भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप PRT के लिए भर सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है TT और CTET के बारे में। तो फॉर्म भरने के लिए TT और CTET जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी बताया गया है यहाँ पे, हाउएवर CTET एंड TT कंडक्टेड बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। तो अगर जब आपका प्रोसीजर इसका पूरा हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट के पहले आपको TT या CTET पास करना होगा, जब तक आप नहीं करेंगे सिलेक्शन के बाद आपको एडहॉक बेस पर रखा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनकी उम्र जो है 40 साल के नीचे होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं उनकी उम्र 57 साल के नीचे होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसेंटली 10 सालों में। ये डेट आपको बताई दी गई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट जो है वह 5 से 6 नवंबर है, ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया गया है, तो लास्ट में इसी PDF के लास्ट में जोड़ दिया है इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर की, वहाँ पे लिस्ट दी गई है जिसमें हर कैंडिडेट को अपना प्रेफरेंस बताना होगा कि वो एग्ज़ाम सिटी कौन से चूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि सभी में 200 अंकों का पेपर होगा TGT, PGT और PRT में। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है 1/4 की। फिर जो स्कोर कार्ड है आपका 14 दिनों बाद स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा।
और इसका जो रिजल्ट है वो साइट पे 30 दिनों के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अपना स्कोर कार्ड समय पे नहीं ले पाते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देने होंगे अपने स्कोर कार्ड के लिए। फिर यहाँ पे बात है रजिस्ट्रेशन की। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वह 25 अगस्त से 5 अक्टूबर है, और इसमें फॉर योर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव ए वैलिड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पास ये तीन होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। आप अपने जो पोस्ट और अदर डिटेल्स हैं उनको किसी भी समय एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पेज फर्स्ट में भरेंगे वह आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना होगा, और सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो आपको अपनी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। यहाँ पे टाइमलाइन देखिए दिया गया है, 25 अगस्त से 5 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की डेट है, एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर तक अवेलेबल हो जाएंगे, एग्जामिनेशन जो है 5 से 6 नवंबर है, और रिजल्ट जो है 20 नवंबर को आ जाएगा। ये एक लिस्ट दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा पहले ही, जो लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऐसी अपडेट्स आपको पहले ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स की लिस्ट दी गई है। फिर ये आपका सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, हमने बता दिया है। फिर यहाँ पे आप क्वालिफिकेशंस के बारे में देख सकते हैं, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे पीजीटी इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी और संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और बीएड कंपलसरी है पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए। तो ये कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए है। फिर यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है, फिर ये टीजीटी के लिए है, तो इसमें टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके साथ भी बीएड कंपलसरी है। फिर यहाँ पे पीआरटी का आ गया, जिसमें डीएलएड 2 साल का या बीएलएड मांगा हुआ है, और इसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी उनको कोई रोक नहीं है इसमें अप्लाई करने से। फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया गया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिक जीके और करंट अफेयर्स से आपके 10% होंगे, 1 से 20 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स से और इंटरनेशनल इवेंट से, ग्लोबल लेवल से होंगे आपके जीके के क्वेश्चंस। फिर आपके 10% और होंगे जो 21 से 40 नंबर होंगे, वो आपके पैडागॉजी और करिकुलम से होंगे, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स से होंगे। फिर लास्ट का जो पोर्शन होगा 41 नंबर से 200 नंबर तक का क्वेश्चन, वो आपका एकेडमिक से होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा ही कुछ प्रोसीजर टीजीटी में भी अपनाया जाएगा, और सेम यही पैटर्न पीजीटी में भी रखा जाएगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के डिवाइडेशन है वो ऐसे ही होंगे, बेसिक जीके करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, फिर आपका ये जो बाल शिक्षा का सिद्धांत और बाल विकास है यहाँ से 20 प्रश्न, और फिर आपके सब्जेक्ट से बाकी क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे ये सेंटर आपको प्रेफरेंस में देने होंगे, जो कि नंबर में 67 हैं, तो देख सकते हैं आप पुणे, नासिक, मुंबई, अहमदनगर, नागपुर, जोधपुर, अजमेर, अहमदाबाद, भुज, ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, दुर्गापुर, गुवाहाटी, शिलांग, जोरहट, सिलीगुड़ी, तेजपुर, दीमापुर, अगरतला, दिनजन, छत्तीसगढ़, सोलान, अम्बाला, पटियाला, सनगुरु, देहरादून, जलंधर, अमृतसर, कांगड़ा, पठानकोट, जम्मू, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, रानीखेत, जबलपुर, इंदौर, पटना, वाराणसी, मेरठ, रुड़की, बेरहमपुर, श्रीनगर, जयपुर, अलवर, कोटा, मथुरा, बीकानेर, भटिंडा, श्रीगंगानगर, हिसार, कानपुर, इलाहाबाद, रांची, सागर, गंगटोक। तो ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जिनका प्रेफरेंस आपको अपने फॉर्म अप्लाई करते हुए देना चाहिए। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल की काफ़ी अच्छी जॉब होने वाली है ये, तो अगर आप भर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।